कुछ बातें जो बहुत जरूरी है आपको नहीं पता कि इस बिजनेस में आने के बाद दुनिया कैसी बदलती है। मैं दो एंगल से बात करूंगा आपके, दो बातें मैं आपसे कहना चाहता हूँ। कौन करता है सलीम चरण चरण, जब मैं पूछता हूँ सलीम चरण चरण करता है सलीम और खान है वो मेरे अपना काम कर रहे थे काम। नहीं आ रही आवाज आ रही है कोई बात इसमें सही नहीं है तो वो वाला माइक लो देसी। अब ठीक है गड़बड़ हो गया है तो ये क्या कैसी आवाज है उधर क्या है पति पत्नी से डरता है तो समझ में आता था पत्नी डरती है पति से। जिंदगियां बहुत तेजी के साथ बदल रही है और आप इस बात की कल्पना नहीं कर सकते कि जब किसी आदमी के घर में पहला 1,00,000 रुपए की इनकम आती है तो उस आदमी के घर में क्या खुशी होती होगी। तो ये दर्द उन लोगों को ज्यादा पता है कि जिनके पास भी 1,00,000 रुपए नहीं होते हैं। पूछो उनसे दर्द, मैं बात पहले 1,00,000 की कर रहा हूं फिर 1 के बाद 2 आएगा 2 के बाद 5 आएगा 5 के बाद 10 आएगा तो जिंदगी में बहुत फर्क नहीं होगा क्योंकि वो पैसा फिर आपके जूस में कम और तिजोरी में ज्यादा रखा रहता है। क्या पूछो तुम बोल तुमने सबसे पहले अपने लिए फोन खरीद लिया बड़ा वाला फोन खरीद लिया 2,00,000 का घड़ी खरीद ली एप्पल खरीद लिया और वो पूर्णिमा के लिए चाय खरीद ली घड़ी खरीद ली घर ले लिया मौका ले ली बस खरीद ली। अब क्या खरीदोगे सब तो ले लिया अब ये 15-17 लाख रुपए आ रहा है तो 2-4 लाख खर्च होता होगा बाकी बैंक में चलता है। उसके बाद जो 10 लाख है 15 लाख है 20 लाख है उसकी कीमत तो है इस बात के लिए कीमत है क्योंकि वो जब बैंक में बैंक बैलेंस आपका बढ़ता रहता है तो आपको जो सेटिस्फेक्शन और संतुष्टि मिलती है और पीस ऑफ माइंड होता है उसकी कल्पना वो ही कर सकते हैं जिनके पास 2-5-10 करोड़ का बैंक बैलेंस होता है। मुझे याद है ये सीमा चार क्या नाम है पूरा होगा सीमा सरनेम है ना नाम सीमा चार है तो सीमा चार उसकी पत्नी है सविता। मुझे याद है पिछले गोकराउन में हमारे होस्ट थे एक दिन के लिए और जब पीछे वाली सीट पे ये अवसरों के बैठे हुए थे तो कह रहे थे कि मेरे बिटिया को मैंने सबसे महंगे स्कूल में डाल दिया है जिसकी कल्पना हम कभी कर नहीं सकते थे। आप सोच रहे वो कहे थे ना वो सब्जी ये एक तो ये भी बेची सब्जी बेचती थी ये क्या करती थी ये पुण्य होती है खाना बनाती दूसरे घरों में खड़ी हो कितनी स्मार्ट हो गई है। जिनके
फूल बेचने वाला खड़ा होता खड़ा हो फूल बेचने बड़े बड़े लीडर होते हैं जितने फूल बेचने वाला इसके बगल में इसके पीछे ये सब्जी बेचता था ये फूल वाला सब्जी वाला फूल वाला सब्जी वाला ये इतना आया मेरे गुलबर्गा में भैया मैं फूल वाला मैं नाम ही भूल गया फूल वाला याद आ गया मैं कितने लोगों की जिंदगी बताऊं अभी सबक ही कह रहा था पापा पैनल में लोगों को लेना है तो यहाँ इतनी बड़ी लिस्ट है कि मैं कितने लोगों के नाम बताऊं किसको हटाऊं किसको रखूं समझ नहीं आता एक और थी ना वो हमारी वो वो एक और सब्जी बेचती थी संध्या हाँ वो किधर गई वो कल होस्ट थी वो संध्या किधर गई ये कभी किसी को मैं खड़ा कर सकता हूँ खबरदार को यहाँ से निकला तो आज की कभी भी लग सकती सुनी बात ये तो भाई संध्या ये सब्जी बेचती थी क्या पता चला 20,000 रुपए कमाती थी सब्जी बेच के अभी क्या 1,00,000 रुपए से ऊपर का चेक है 2,00,000 3,00,000 कितना चेक है 3,00,000 3,00,000 तुम ये बताओ कि तुम्हारी जिंदगी में क्या चेंज आया वो तुम्हारा ड्रेस भुलिया ऐसे थोड़ी सब्जी बेचती होगी मी लाइफ लो ఎలా ని చేంజ్ వచ్చింది ఇప్పుడు మీ డ్రెస్ కోడ్ చేంజ్ అయిపోయింది ఎలా అనిపిస్తుంది वो तो वो हमारा फुल वाला నిలబడే పరిస్థితి కూడా లేదు ఎందుకంటే చాలా భయం ఉంటుండే అంటే ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు మ్యారేజ్ అయింది కాబట్టి బయటికి వెళ్ళే సిచ్యువేషన్ నాకు రాలేదు అసలు కానీ అప్పటికి ఇప్పటికి చూస్తే ఇది నా లైఫ్ అయినా అసలు అసలు నేనేనా అనిపిస్తుంది సార్ నేను మొన్న రీసెంట్గా మమ్మగారి ఇంటికి రాఖీ పండుగకి వెళ్తే కూడా నా ఓన్ కార్లు నల్గొండ సెల్ఫ్ డ్రైవ్ తోటి పిల్లల్ని నేను ముగ్గురమే వెళ్ళినాం అన్నమాట అప్పటికి చాలా చేంజెస్ సార్ అసలు అంటే పిల్లలకి ఇంతకు ముందు లైఫ్ వేరు కంప్లీట్ జీరో లైఫ్ అసలు అంటే ఎవరికైనా నార్మల్ ఇంట్లో ఉండేటప్పుడు ఏముంటదండి ఏ 5,000-10,000 కూడా అంటే అడగాలంటే సిచ్యువేషన్ వేరు కానీ ఇప్పుడు నా డబ్బులు నా చేతిలో అది కూడా లక్షల అమౌంట్ వస్తే లైఫ్ ఎట్లుంటది అసలు చాలా చేంజ్ ఉంటది కదా ప్రతి ఒక్కరికి డ్రీమ్ ఉంటది కానీ అది ఎక్కడ పాసిబుల్ అవ్వదు ఛాన్స్ కూడా లేదు అది ఓన్లీ వెస్టేజ్ లోనే పాసిబుల్ అవుతుంది నాకు బయట అయితే నా లైఫ్ ఇట్లా చేంజ్ అవుతుంది అని నేను కల కూడా కనలేదు అసలు కలలో కూడా ఊహించలేదు అసలు నేను నా లైఫ్ ఇట్లాంటి లైఫ్ ఉంటుంది నాకు ఇట్లాంటి ఒక సెలబ్రిటీ లైఫ్ ఉంటుంది అనుకోలేదు